ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल, ये आर्टिकल चल रहा था, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। अभी तक 6 तक के जो क्वेश्चन थे उसमें साइन और कॉस वाले टर्म थे। अब देखिए अगर टैन कॉट आते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, पाई लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स, उसी के लिए ये सब है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन प्रूव दैट, then prove that tan A into tan B into tan C is equal to tan A plus tan B plus tan C। important है ये, याद रखें इसे। इसी को ऐसे भी ले सकते हैं, product में है ना, इसको ले सकते हैं capital pi tan A, last class में बताया था पाई का मतलब प्रोडक्ट, पहले ए रखेंगे तो टैन ए, फिर इस ए की जगह बी रखेंगे टैन बी, फिर बी की जगह सी रखेंगे टैन सी, इन सबका मल्टीप्लीकेशन है। और आरएचएस में समेशन है, मतलब समेशन टैन ए, इसी को लिखने का एक और तरीका है। करिए इसको प्रूव, देखिए कैसे करना चाहिए इसे। हो गया सर, हो गया, वेरी गुड। क्या करना चाहिए इसमें, कैसे स्टार्ट करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी पाई है, इससे स्टार्ट करते हैं। टैन और कॉट वाले जो भी प्रूव है, साइन कॉस वाले में आपको बताया था फर्स्ट टू में समेशन में साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी ऐसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, दो एंगल को एक तरफ रखिए, थर्ड को आरएचएस में ले लीजिए, मतलब ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। टैन में प्रूव करना है दोनों तरफ टैन ले लीजिए, ए बी में प्रूव करना है तो टैन लिया हमने यहाँ पर दोनों तरफ, टैन ए प्लस बी बराबर टैन पाई माइनस सी हो गया। टैन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, टैन ए प्लस टैन बी अपान वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी इक्वल टू टैन पाई माइनस सी, कितना होगा माइनस टैन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो टैन ए प्लस टैन बी इज इक्वल टू माइनस टैन सी इंटू वन हो गया माइनस टैन सी, माइनस माइनस ये प्लस होगा तो टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी आ जाएगा। इस टैन सी को ले आर एच एस एल एच एस में, तो यह आ गया टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ये रिजल्ट है, ये प्रूव करना था। देखिए कोई डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल एबीसी, in triangle ABC prove that cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A is equal to 1। इसी को लिखने का दूसरा क्या तरीका है, summation cot A cot B is equal to 1। समेशन कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू वन,
वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी पाई, फिर एक सी को उधर ले जाए, इस बार कॉट ले ले। या फिर दूसरा भी एक तरीका है, अगर आपने ऊपर वाला टैन प्रूव कर लिया, या काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको बताया ना अभी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, याद रखना चाहिए आपको, तो अगर आपको याद है तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं। कैसे, हमने ये प्रूव कर लिया है, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी इज इक्वल टू टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी, ये कर चुके हम। अब क्या करें, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी, टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो पहला वाला क्या होगा, टैन ए कैंसिल होगा, बन जाएगा वन अपॉन टैन बी टैन सी, दूसरे में टैन बी कैंसिल होगा, मिलेगा वन अपॉन टैन ए टैन सी, थर्ड में टैन सी कैंसिल होगा, वन अपॉन टैन ए टैन बी, और आर एच एस में क्या होगा, टैन ए टैन बी टैन सी कैंसिल वन, और वन अपॉन टैन को ही कॉट कहते हैं, तो ये आ गया कॉट बी कॉट सी, दूसरा आ गया कॉट सी कॉट ए, एंड थर्ड आ गया कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू वन। यही प्रूव करना था हमें, देखिए तो सेवन की हेल्प से एट बना सकते हैं, और बिना हेल्प के भी कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी, दोनों तरफ कॉट ले लीजिए, इस बार कॉट ए प्लस बी का फॉर्म लग जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इससे, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू इज इक्वल टू वन। प्रूव दैट इन ट्राइंगल ए बी सी टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू इज इक्वल टू वन। करिए इस क्वेश्चन को, किसी में भी कोई डाउट है तो बताएं, और हो जाए तो बोलिए कि हो गया है, जिससे आगे बढ़ सके हम लोग। हो गया सर, हो गया। कैसे स्टार्ट करना है, वैसे जैसे टैन और कॉट में बताया ना आपको, कैसे स्टार्ट करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इससे स्टार्ट करिए, एक सी उधर ले जाइए, या फिर ए बाई टू बी बाई टू है तो पहले आप चाहे तो पहले टू से डिवाइड कर लीजिए, तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब एक सी बाई टू को ले जाइए आरएचएस में, क्योंकि ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू में प्रूव करना है, टू से पहले डिवाइड कर लिए। अब ले लीजिए दोनों तरफ टेन, टेन ए बाई टू प्लस बी बाई टू बराबर इधर आ गया टेन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। टेन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू क्या होता है, कोट सी बाई टू, टेन नाइनटी माइनस थीटा कोट थीटा,
इधर फॉर्मूला क्या है, टेन ए बाई टू प्लस बी बाई टू, टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू अपॉन डिनोमिनेटर में आया वन माइनस टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू, और आरएचएस में जो कॉट सी बाई टू है उसको क्या लिख सकते हो, वन अपॉन टेन सी बाई टू, ऐसे लिख लो। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू। इस टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू को ले आइए एलसीएस में तो ये बन गया टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू इज इक्वल टू वन। ये रिजल्ट है, देख लीजिए, कोई डाउट है किसी को तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर टेन। इन ट्रायंगल एबीसी prove that cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equal to cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2 and this one हो गया सर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई से ही प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर नाइन्थ के हेल्प से जैसे एट सेवन से एट लिखा था वैसे ही नाइन्थ से टेन लिख सकते हैं। नाइन्थ में हम टेन वाला फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं, टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू इस इक्वल टू वन, ये हो चुका है। तो अब क्या करिए, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग बाई टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू, डिवाइडिंग बाई टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू। तो पहले वाले में टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू कैंसिल होगा, मिलेगा क्या, वन अपॉन टेन सी बाई टू दैट इज कॉट सी बाई टू। सेकेंड वाले में टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू कैंसिल होगा तो वन अपॉन टेन बाई टू कॉट ए बाई टू, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में क्या मिल जाएगा, कॉट बी बाई टू, और आरएचएस में वन अपॉन टेन क्या हो गया, कॉट तो आ गया कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। यही है टेंथ में, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर इलेवन, इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन फाइंड कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा साइन गामा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन गामा साइन अल्फा प्लस कोस गामा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन फाइंड दिस वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अपने आपको म्यूट रखे, आवाज नहीं आए, क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद बताएं आंसर, तब के अनम्यूट करें, कोई डाउट है तो पूछें।
टू हो गया बेटा? कितनी बार क्या आंसर आ रहा है इसमें? तो प्रूव दैट तो है नहीं, क्या आंसर बता रहे हो बोलो फिर से वापस। टू सही है। क्या है एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आएगा पाई। तो न्यूमरेटर में जो कॉस अल्फा लिखा है, देखो इस फर्स्ट टर्म को पहले हम केवल सिंप्लीफाई करते हैं, सिमिलरली अदर टर्म लिख सकते हैं, कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा साइन गामा, जो पहला वाला टर्म है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे ही दूसरा और तीसरा लिख सकते हैं। तो इस अल्फा को क्या करना है, पाई माइनस बीटा प्लस गामा लिख सकते हो, वैसे ही सेकेंड टर्म में करोगे वैसे ही थर्ड में करोगे। तो डिनोमिनेटर में भी बीटा और गामा है, तो न्यूमरेटर में बीटा गामा आ गया, अल्फा की को बीटा और गामा से रिप्लेस कर दे। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये आ गया माइनस कॉस बीटा प्लस गामा अपान साइन बीटा साइन गामा। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी, माइनस कॉस ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपान साइन बीटा साइन गामा, डिवाइड करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बीटा साइन गामा कैंसिल होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा तो वो वन, और कॉस अपान साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट बीटा कॉट गामा। ये है फर्स्ट टर्म जो बीटा गामा में है, तो ये आया है वन माइनस कॉट बीटा कॉट गामा। सिमिलरली सेकेंड क्या आएगा, वन माइनस कॉट गामा कॉट अल्फा, और थर्ड क्या आएगा, वन माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगा वन माइनस कॉट बीटा कॉट गामा, सेकेंड टर्म बनेगा वन माइनस कॉट गामा कॉट अल्फा, और थर्ड टर्म बनेगा वन माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा। तो ये वन 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 तीनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन थ्री माइनस। अब देखिए इनको माइनस कॉमन ले लें इन तीनों में, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गामा प्लस कॉट गामा कॉट अल्फा। अभी क्वेश्चन नंबर एट में हमने देखा था कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए क्या होता है, वन होता है, ए बी सी एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो ये ए बी अल्फा बीटा गामा एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई वन, तो थ्री माइनस वन, देयरफॉर इट्स आंसर विल बी टू। नोट करेंगे, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो किसी को भी नोट करिए जल्दी से। देखते हैं आगे नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखें उससे पहले देखिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। अगर आपसे कोई पूछे टेन ए प्लस बी प्लस सी बताओ, तो a प्लस बी को एक एंगल, c को अंदर एंगल लेकर के ही फॉर्मूला लगा सकते हो, फिर बाद में tan a प्लस बी लगा लो, वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। वैसे डायरेक्ट अगर इस थ्री के लिए फॉर्मूला चाहिए तो ये भी देख सकते हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये न्यूमरेटर में आता है अपॉन डिनोमिनेटर में आता है वन माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस टेन सी टेन ए, ये मिलेगा डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला टेन ए प्लस बी प्लस सी का।
ये थ्री एंगल्स का सम हो तो थ्री नहीं, बहुत सारे एंगल्स हो तब भी फॉर्मूला टेन में लिखा जाता है, लेकिन इन जनरल क्वेश्चंस में यूज करने में टेन ए प्लस बी दो तक ही ज्यादातर आता है। एक दो क्वेश्चन में हो सकता है आपको थ्री का मिल जाए या किसी में एन का फॉर्मेट भी मिल जाए। तो वहां पर देखिए, अगर एन एंगल्स हो, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री अप टू थीटा एन, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस एस सेवन, ऐसे चलता रहता है। डिनोमिनेटर में होता है वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स, इस तरीके से। क्या है मतलब? देखिए, जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, एस वन का मतलब है सबका इंडिविजुअल सम, मतलब जो है यहाँ टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी लिखा है, ये है एस वन। तो यहाँ एस वन क्या होगा, यहाँ पे सभी थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री है, तो एस वन का मतलब है टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू प्लस टेन थीटा थ्री, सभी को एक एक को लीजिए और इन सबका सम। ये दो तीन एंगल लेंगे तो भी ये फॉर्मूला बन जाएगा, सेकेंड से फर्स्ट भी बना सकते हैं। माइनस एस थ्री का मतलब क्या है? तीन का प्रोडक्ट, तीन तीन का प्रोडक्ट लेना है एक बार में। एस टू का मतलब क्या है? दो दो का प्रोडक्ट लेना है और जितने भी प्रोडक्ट आ सकते हैं उन सबका सम। तो एस टू यहां पर है सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम, दो दो को एक बार लेना है, tan थीटा वन tan थीटा टू tan थीटा थ्री tan थीटा n में से, इनमें से दो दो लीजिए एक बार में। तो tan थीटा वन के साथ आप थीटा टू भी ले सकते हैं, थीटा वन के साथ थीटा थ्री भी आ सकता है, थीटा वन के साथ थीटा फोर भी आ सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी है। थीटा वन के साथ थीटा n भी आ सकता है, फिर थीटा टू के साथ थीटा थ्री भी आ सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इन जनरल जनरल फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चंस में। और इसी तरह से एस थ्री लिखोगे तो तीन का प्रोडक्ट टैन थीटा वन इंटू टैन थीटा टू इंटू टैन थीटा थ्री प्लस टैन थीटा वन इंटू टैन थीटा टू इंटू टैन थीटा फोर, मतलब जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट है तीन तीन लेने पर वो सब आएंगे। नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स का ग्राफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ग्राफ में आपको बताऊं, उससे पहले ये ध्यान रखें, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन और वन के बीच में होती है, यही कॉस एक्स के लिए होता है। देखिए, साइन और कॉस पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। साइन कॉस में बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, लेकिन थर्ड फोर्थ में नेगेटिव वैल्यू भी आती है, और वैल्यू वन से हमेशा कम होगी, क्योंकि साइन क्या, कहां से स्टार्ट किया हो साइन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूस से कम ही होगा, तो वन से वैल्यू लेस ही आ रही होगी, तो उस तरीके से देखा गया। लेकिन फिर जब एक्सटेंड की गई डेफिनेशन 90 डिग्री पर वन भी लिया गया, क्योंकि 90 डिग्री एंगल तो राइट एंगल में कोई और हो नहीं सकता राइट एंगल को छोड़ करके, तो वहां पे जब डेफिनेशन एक्सटेंड की गई तो वन तक गया। ऐसे ही टैन एक्स और कॉट एक्स की वैल्यू की बात करेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है। टैन क्या है?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। परपेंडिकुलर बहुत बड़ा हो गया, बेस बहुत छोटा हो गया, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, मान लो ये 10 हो गया, ये 1/10 हो गया, तो इस टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? 10/1/10, 100 तक 100 हो गए। और फिर जब हम एक्सटेंड करते हैं डेफिनेशन को तो वो कहाँ जाते हैं? निगेटिव में भी जाते हैं। टेन कॉट सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है, फर्स्ट थर्ड में पॉजिटिव है। यही सेक और कोसेक की बात करेंगे, सेक एक्स और कोसेक एक्स, तो इनकी जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होती है और लेस देन आर इक्वल टू -1 होती है। जब भी आप 0 और 1 में कोई वैल्यू लेते हो उसका रेसिप्रोकल लेते हो, मान लो 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होगा। रेसिप्रोकल क्या हो गया? 2। और सेक और कोसेक वैसे भी आप देख सकते हो, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर ऑफ बेस, हाइपोटेन्यूस ग्रेटर होगा तो वैसे उस तरीके से देख सकते हैं। अब एक एक करके ग्राफ पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, वाई बराबर साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स लीजिए, उसके करेस्पॉन्डिंग वाई कैलकुलेट कर लीजिए और उसकी हेल्प से ग्राफ बनाइए। एक्स की वैल्यू लीजिए और उसके करेस्पॉन्डिंग वाई, जितनी ज्यादा वैल्यू लेंगे उतने आगे तक ग्राफ बनता जाएगा। तो 0 तो साइन वाई बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू साइन 0 कितना होता है? 0। पाई बाई 6 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है? 1/2। पाई बाई 4 वैल्यू 1/√2। पाई बाई 3 √3/2, पाई बाई 2 1। 3π/4 पाई -π/4 साइन π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, 1/√2 साइन पाई मीन्स 180 डिग्री, 180 + 0 क्या आएगा? माइनस साइन 0 लिखा हुआ, 0 साइन 0 0, तो ये पाई पर भी वैल्यू 0, 180 डिग्री। और आगे भी ऐसे ही बना सकते हो, 7π/6 पाई प्लस पाई बाई 6 180 + 30 210 डिग्री, -1/2 3π/2 270 -1। जितनी ज्यादा वैल्यूज बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट लिख करके ग्राफ बना सकते हो। बाकी आपको ग्राफ को याद रखना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके से ग्राफ देखने में मिलता है साइन एक्स का। वैल्यूज देखें तो ये 0 है, ये पाई बाई 2 पर वाई की वैल्यू 1 है, एक्स जब पाई बाई 2 है, इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, वाई बराबर साइन एक्स है, मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है वो साइन एक्स के बराबर है, तो पाई बाई 2 पर वैल्यू 1 है। ऐसे ही आप पाई बाई 6 पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 है, तो साइन पाई बाई 6 1/2 है। पाई पर देखेंगे तो 0 है, 3π/2 पे कैलकुलेट करेंगे तो -1 है, 2π पर फिर से 0 है, 5π/2 पर अगेन 1 है, -π पर 0 है, -2π पर भी 0 है। ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो अगला जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक होगा, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसमें आपको इनइक्वालिटीज वगैरह में जरूरत पड़ेगी। यहां देखें तो ये ग्राफ जो होता है 2π के बाद रिपीट करता है, जैसे ये 0 के बाद ऐसा जैसा ग्राफ है, सेम ग्राफ 2π के बाद रिपीट होगा। किसी भी वैल्यू में अगर आप 2π ऐड कर दें तो वापस सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा होता है। जो ग्राफ अपनी वैल्यू को रिपीट करता है उसे कहते हैं पीरियोडिक। ये ग्राफ पीरियोडिक है और इसका पीरियड, मतलब जो वैल्यू जिसके बाद ये रिपीट होता है वो है पीरियड। तो पीरियड कितना है इसका? 2π। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ आ रही है। साइन एक्स अगर मैं कहूँ कि 0 कहाँ है, तो 0 पे है, पाई पर है, 2π पर है, तो हम कह सकते हैं n π पर है, जहां n कोई भी इंटीजर रखिए सब पे 0 आएगा।
साइन जीरो पाई टू पाई साइन 2020 पाई लिखा हो तो भी वैल्यू क्या है? जीरो। साइन का कोई भी इंटीजर मल्टीपल आप पाई जीरो दिख रहा है, दिख रहा है? साइन की वैल्यू वन कहां दिखाई दे रही है? पाई बाई टू पे है, फिर उसके बाद टू पाई प्लस पाई बाई टू पाई बाई टू पे है, ऐसे दिख रहा है। तो मतलब ये है टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। देखो एन जीरो रखोगे पाई बाई टू आएगा, वन रखोगे टू पाई प्लस पाई बाई टू आएगा, फिर फोर पाई प्लस पाई बाई टू आएगा टू रखने पे, माइनस वन रखोगे माइनस थ्री पाई बाई टू आएगा। कुछ पॉइंट आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें। अब ये देख सकते हो साइन की वैल्यू कहां से कहां तक लिखी गई, माइनस वन और वन के बीच में वाई की वैल्यू। एक्स कोई भी रियल नंबर रखो, साइन किसी भी बड़े से बड़े एंगल का पॉसिबल है, लेकिन जो साइन एक्स की वैल्यू है वो माइनस वन और वन के बीच में। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। नोट करें सभी लोग। सेकंड देखते हैं y बराबर cos x, इसकी वैल्यू भी माइनस वन और वन के बीच में होती है। अगेन आप वैल्यूज जितनी अच्छी तरह से आपको याद होगी उतना ही आसानी से आप ग्राफ बना सकते हो, या अगर आपको ग्राफ मालूम है तो आप उससे वैल्यूज को बारे में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर ग्राफ में sin x में क्या था, जीरो से पाई पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, पाई से टू पाई निगेटिव है, 180 से 360 मतलब कहां पर है 180 से 360? सही, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। कॉस देखिए जीरो पर, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, पाई बाई थ्री कितना होता है 1/2, पाई बाई टू होता है जीरो। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, अगर आप 2 पाई बाई थ्री निकालो, पाई माइनस पाई बाई थ्री माइनस 1/2, पाई पर वैल्यू 180 प्लस जीरो माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो वन है तो माइनस वन, फिर फोर पाई बाय थ्री, पाई प्लस पाई बाय थ्री थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है कॉस, कितना आएगा माइनस वन बाई टू, थ्री पाई बाई टू जीरो, टू पाई कॉस 360 प्लस जीरो कॉस जीरो वन। इससे बनाइए इसका ग्राफ cos x का, जीरो पर वैल्यू वन होती है, ये वैल्यू वन आएगी, पाई बाय टू पर जीरो होती है, फिर पाई पर इसकी वैल्यू माइनस वन होती है, थ्री पाई बाय टू पर जीरो, माइनस पाई बाई टू पर भी जीरो, फिर माइनस पाई पर माइनस वन, माइनस थ्री पाई बाई टू, ऐसे चलेगा। ये ग्राफ भी टू पाई के बाद रिपीट होता है, टू पाई पर वैल्यू वन और उसके बाद सेम ग्राफ रिपीट होगा, क्योंकि कॉस टू पाई प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है और कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, तो जो वैल्यू माइनस पाई बाई टू पे है वही प्लस पाई बाई टू पे, जो पाई बाई थ्री पे वही माइनस पाई बाई थ्री पे, क्योंकि हमें
ये मालूम है cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos x बराबर cos माइनस x बराबर cos x ही होता है, लेकिन साइन में साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है वहां। इसमें देख सकते हैं कॉस की वैल्यू जीरो कहां हो रही है, ये जीरो हो रही है पाई बाई टू पर, फिर थ्री पाई बाई टू पर, आगे चलेंगे तो फाइव पाई बाई टू पर, मतलब वन इंटू पाई बाई टू, थ्री इंटू पाई बाई टू, फाइव इंटू पाई बाई टू, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल को ही 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 लिख सकते हैं। n 0 रखोगे 1 आएगा, 1 रखोगे 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 2 पर 5, इस तरीके से आएगा। यहां देखिए cos x 1 कहां पर है, 1 है 0 पे, फिर 2 पाई पे, फिर 4 पाई पर, ऐसे मिलेगा, मतलब 0 2 पाई 4 पाई, तो पाई में क्या मल्टीप्लाई कर दो 2n पाई, ऐसे ही माइनस वन देख सकते हो पाई पर, फिर थ्री पाई पे, कॉस एक्स माइनस वन कहाँ दिखाई दे रहा, एक्स बराबर पाई है, थ्री पाई है, तो एक्स बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। और इस ग्राफ में देख ले वैल्यू ग्राफ की कहां से कहां तक, माइनस वन से वन तक, तो जैसा आपको बताया कॉस एक्स कहां से कहां तक होता है, माइनस वन से प्लस वन तक। नोट करिए ग्राफ कॉस एक्स का, और कोई डाउट है तो बताइए। बनाइए इसको, नेक्स्ट देखेंगे ग्राफ y बराबर tan x, थर्ड ग्राफ है y इज इक्वल टू tan x, समझ में आ रहा है ना सभी को, अबरार क्लियर हो रहा है वेदांत? यस सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। नोट कर लीजिए अच्छे से, देखिए tan x का ग्राफ, जीरो पे वैल्यू जीरो होती है, इसकी पाई बाई फोर पे वन होती है, पाई बाई थ्री पर रूट थ्री होती है, पाई बाई फोर पे अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो वन होती है, पाई बाई थ्री पे रूट थ्री होती है, पाई 75 डिग्री पे टू प्लस रूट थ्री होती है, ऐसे इंक्रीज करता जाता है और 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है tan x का ग्राफ। tan माइनस x माइनस tan x होता है, तो माइनस पाई बाई फोर पे इसकी वैल्यू माइनस वन होती है, माइनस पाई बाई थ्री पे माइनस रूट थ्री होती है, इस तरीके से ये माइनस पाई बाई टू माइनस 90 डिग्री देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इस तरह से ग्राफ आता है tan x का ये पार्ट। tan pi plus theta tan theta होता है और tan pi minus theta minus tan theta होता है, तो ये tan pi plus theta देखें तो ग्राफ फिर वो रिपीट होता है, pi के बाद ही यहाँ रिपीट होने लग जाता है। अब यही ग्राफ रिपीट हो रहा है, ये tan pi पर वही वैल्यू है जो जीरो पे है, pi plus pi by 4 निकालोगे 5 pi by 4 पे 1 आएगा, pi minus pi by 4 निकालोगे तो minus pi by 4 minus 1 आएगा 3 pi by 4,
तो ये ग्राफ फिर अपने आप को रिपीट करता रहता है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, अपने ग्राफ को रिपीट करते हैं एक सर्टेन इंटरवल के बाद। तो ये है ग्राफ टेन एक्स का। इसमें अगर हम बात करें तो ये भी पीरियोडिक है, ये पाई के बाद ही रिपीट होने लग जाता है। क्यों? कि टेन पाई प्लस थीटा ही टेन थीटा बन जाता है। अब यहां रेंज आप देख रहे हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है टेन एक्स। वाई में माइनस इंफिनिटी की तरफ भी जा रहा है और प्लस इंफिनिटी की तरफ भी। टेन एक्स जीरो किसके लिए? यहां देखिए जीरो के लिए है, यहां साइन एक्स जीरो होगा। पाई के लिए क्योंकि साइन बाई कॉस होता है, टू पाई, साइन कहां जीरो आया था? एन पाई पर, तो ये भी एन पाई के लिए जीरो होता है। टेन एन पाई की वैल्यू जीरो होगी, टेन पाई, टू पाई, थ्री पाई। नोट करेंगे ग्राफ आप y इज इक्वल टू टेन एक्स। कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। y बराबर टेन एक्स। नोट करिए जल्दी से। और कौन से तीन ग्राफ है? रिमेनिंग थ्री है y इज इक्वल टू कॉट एक्स,